जय हिंद साथियों। साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए हम हैं अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों थोड़ा नॉइज का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आप लोग का रिक्रूटमेंट का अपडेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। जो भी कैंडिडेट ITI डिप्लोमा किए हैं कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त खुशखबरी है। और दोस्तों आप लोग से गुजारिश जरूर है कि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। BHPCL हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो सबका अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ दोस्तों, तो आप जुड़ जाइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि BHPCL की रिक्रूटमेंट आएगी। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपके रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो चलिए साथियों हमारे साथ बने रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ये जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है। आवाज भी आप देख सकते हैं 955 यहाँ पर दिया गया है 11/9/2023 का, जो कि अभी करेंटली अपडेट है दोस्तों। इसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से मैं दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 13/12/2022 का के अनुसार जो है यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की इसके अनुसंगिक कंपनियों में यानी कि इसके जो पैरेंट मतलब कि इसका जो सब्सिडी कंपनी है उसमें न्यूनतम मैट्रिक योग्यता उत्तीर्ण चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को जो है राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, आप देख सकते हैं राज्य को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्युत व्यवसाय में यानी कि आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 3 माह का जो है प्रशिक्षण कराने के उपरांत 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त दिया जाएगा। और इसके उपरांत जो भी कैंडिडेट इसमें अच्छे वर्क से अच्छे मतलब सफलतापूर्वक एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेंगे उनको यहाँ पर टेक्नीशियन Grade 3 पर जो है पोस्टिंग कर दिया जाएगा, जो कि विभिन्न यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कॉम टेक BHPCL BGCL के नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और यह निर्देश दिया जा रहा है। ये ITI वालों के लिए गुड न्यूज है, ठीक है दोस्तों। डिप्लोमा वालों के लिए भी अपडेट है। सबसे पहले हम ITI वालों के बारे में बात करते हैं। उपयुक्त प्रशिक्षण की रूपरेखा नीचे दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों ये जो आवेदन है ये मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसको आपको फिल करना है। जहाँ फ़ोटो है जहाँ साइन है वहाँ फिल करके आपको BHPCL ऑफिस के पास जो है भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया, आपको जो है इसमें आपको अनुलग्न प्रमाण पत्र दिया जाएगा, डाटा मांगा जाएगा और आवेदन प्रक्रिया वर्ष में एक ही बार कर सकते हैं। कोई भी सूचना अगर गलती पाए जाते हैं तो आप यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रशिक्षण हेतु वैधता का निर्धारण देख सकते हैं, यहाँ पर वैधता BHPCL के अनुसार होगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वीकृत पद में से 25% का 85% जो है प्रशिक्षण हेतु आरक्षित किया जाएगा। कुल जितना पोस्ट है दोस्तों उसका 25% पद जो है यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये 2019 में भी इस तरह का जो है बात किया गया था। प्रशिक्षण की योग्यता के लिए आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और NCVT SCVT से जो है आपके पास ITI होना चाहिए, देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। और दोस्तों इसमें कंपनी में आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का जो आपका टेक्नीशियन Grade 3 पर रहेगा, ठीक है। प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए आप देख सकते हैं ओनली 60 कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 25% कैंडिडेट जो है आपका परमानेंट मतलब कि एक तरह से उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और बाकी कैंडिडेट को आपको यहाँ पर टेक्नीशियन Grade 3 पर रख लिया जाएगा। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ही ओनली है, कोई भी अदर ट्रेड के लिए नहीं है। आपको इसमें स्टाइपेंड के रूप में 600 रुपया जो है प्रति माह के हिसाब से मिलेगा और बाद माह की खर्चा जो है आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षण अवधि में वेतन भुगतान की प्रतिक्रिया कर्तव्य पर मानी जाएगी, आप कैसा कर देते हैं। उसके प्रशिक्षण के उपरांत तकनीकी वक्तरी के पद पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं BHPCL के अनुसार होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गई दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंपनी जो इसका प्रतिलिपि को भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रबंधक को भी भेजा गया है,
और यहाँ पे पावर होल्डिंग कंपनी को भी भेजा गया है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको जो है BHPCL के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भेज दीजिएगा, ठीक है। आप जिस भी जो सेट को यहाँ पे रखना चाहते हो वो सेट को रखिए। और यहाँ पे दोस्तों एक तरह से अगर मैं मानता हूँ कि ये आपको पेमेंट कम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों। और उसके साथ आपको 3 ईयर के लिए अगर आप यहाँ पे काम कीजिएगा तो आपका वेतन यहाँ पे बनेगा। ये प्रशिक्षण के दौरान आपको 600 रुपया मिलेगा जो कि 1 ईयर के लिए मिलेगा। ये हो गया दोस्तों ITI वाले कैंडिडेट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी एक अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे मंत्री जी से बैठक हुई है, मंत्री जी बात किए हैं तो बोले हैं कि आपका अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट आउट होने वाली है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है। तो ये जो है मंत्री जी की बात आपका कितने हद तक सच होती है इसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि मंत्री जी बताए हैं तो ये बात होगी, क्योंकि टेंडर आउट हो चुका है। अभी वो टेंडर एक्सेप्ट कोई कंपनी करेगा एग्ज़ाम का टेंडर, उसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट का टेंडर यहाँ पे, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे कुछ बात होगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम था, इसके लिए आप माफ़ी चाहिए।